एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप 5 मिनट में अपने कितने भी आपके पैरों में गंदगी हो फ्रेंड, आप उसको किस तरह से निकाल सकते हो। मैं आज आपको बताने वाली हूं। मैंने टब में पानी ले लिया है और मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है फ्रेंड, और नमक के पानी से मैं बहुत अच्छे अपने पैरों को मसल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने गंदे पैर हो रहे हैं फ्रेंड। मैं इनको बहुत अच्छे से नमक के पानी में अच्छे से धो लेती हूँ सबसे पहले। तो उससे क्या होगा कि आपके नेल्स में जो भी फ्रेंड कर्ट्स वगैरह होते हैं काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, और नमक से फुल मॉइस्चराइज़र भी मिलता है फ्रेंड। तो ये देखिए, मैंने 5 मिनट से 7 मिनट तक अपने पैरों को नमक के पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आप पानी चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैंने पानी चेंज कर लिया है। पानी चेंज करने के बाद मैंने उसमें पैर वापस डाल दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है फ्रेंड। आपको क्या करना है, आपको कॉलगेट लेना है फ्रेंड। आप वाइट कॉलगेट ही लीजिए और कलर वाला कॉलगेट मत लीजिए, क्योंकि वाइट इसमें काफ़ी हद तक वाइट प्रॉपर्टीज़ होती है और ये आपके पैरों को एकदम क्लीन कर देता है। देखिए मैंने कितनी कम क्वान्टिटी ली है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। आपने ले लिया, अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। बहुत 5 मिनट में आपको क्लियरिटी के लिए क्या करना है, आपको एक्टिवेटर लेना है फ्रेंड। 2 चुटकी आप एक्टिवेटर ले लेंगे, ठीक है। जो आप ब्लीच में डालते हो वो एक्टिवेटर ले लीजिए फ्रेंड। ये देखिए मैंने ले लिया है। अब आप चाहें तो इसको बाउल में भी कर सकते हैं और चाहें तो अपनी हथेली पर भी कर सकते हैं। अब आप इसके रिज़ल्ट देखोगे फ्रेंड, कितने अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। ये मैंने अपने पैरों को 10 मिनट तक गला लिया। अब मैं इसके बाद अपने पैरों को निकाल देती हूँ और टब को एक साइड में कर देती हूँ फ्रेंड। अब आप देखिए कैसे यूज़ करना है। अभी आप मेरे पैर देख रहे हो कितने गंदे हो रहे हैं। लॉकडाउन पूरा निकल गया फ्रेंड और बिल्कुल केयर नहीं हुई है। अभी देखिए मैंने दोनों पैरों में अच्छे से पेस्ट लगा लिया है। कहाँ पर लगाया, जहाँ पर ब्लैकनेस नेल्स में ज़्यादा होती है वहाँ मैंने इसको अच्छे से लगा लिया। और मैं ये देखिए लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको 5 से 7 मिनट छोड़ देती हूँ। अब आपके हाथों में जो बचा हुआ है उसको आप पूरे पैरों पर मालिश कर लेंगे। अब देखेंगे ओनली 5 मिनट में कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके, और आपको किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद कर सकते हो फ्रेंड, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैरों को खुद क्लियर कर सकते हो। ओनली 5 मिनट में, 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट में आपको इतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए मैं दोनों पैर मसल लेती हूँ काफ़ी अच्छे से, और जितनी भी मेरी डैड स्किन थी फ्रेंड वो गल गई है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने पैर दोबारा से टब में डाल देने हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको मसल लेना है। नॉर्मली आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। पेस्ट और एक्टिवेटर को आपको 5 से 7 मिनट अपने पैर रगड़ने हैं और वापस अपने पैरों को वॉश कर लेना है। कुछ आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और आप देखोगे आपके पैरों में जितनी भी गंदगी थी फ्रेंड आपके बहुत बिना मेहनत के हुए एकदम क्लीन हो गई। अब ये देखिए, अब आता है पानी। देखिए आप कितना गंदा हो गया है फ्रेंड, देख सकते हैं आप पानी को, कितना गंदा पानी हो गया है। अब मैंने अपने पैर निकाल ली है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट पेडिक्योर मैनीक्योर से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आपको अपना पेस्ट दोबारा से लेना है फ्रेंड, जितनी क्वांटिटी आपने ली थी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फेस पर आप लोग फेस वॉश हमेशा 2 बार लिया करो। एक बार तो फेस वॉश कब लेते हैं तो आपके केवल डस्ट पार्टिकल अलग करता है, दोबारा जब आप लगाओगे फेस वॉश को तो वो आपको फुल मॉइस्चराइज़र देगा, ठीक है। मैंने देखी वही क्वांटिटी जो मैंने पहले ली थी वही अब ले ली है। अब मैं इसको दोबारा से अपने पूरे पैर पर लगा दे रही हूँ फ्रेंड।
अब मुझे इसे कम से कम 10 मिनट छोड़ना है। मैं आपको पूरा पेडिक्योर मैनीक्योर सिखाने वाली हूँ, जो आपको पार्लर में पेडिक्योर मैनीक्योर होता है उससे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं फ्रेंड आपको, बहुत ही घर बैठे हुए आसानी से। ठीक है, ये लगाने के बाद आपको 10 मिनट छोड़ देना है। 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के बाद मैं वापस अपने पैरों को पानी में डालती हूँ और क्लियर कर लेती हूँ। आपको एक ब्रश लेना है, इस आप टूथब्रश वाला भी ब्रश ले सकते हो, और अपने नाखून पर आपको बहुत अच्छे से मसलना है, जिससे जितना भी गंदगी है आपके नेल्स के अंदर वो प्रॉपर निकल जाएगी। बहुत आपका जो रेड स्किन थी वो काफ़ी गल चुकी है फ्रेंड, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में नमक का यूज़ किया, फिर आपने पेस्ट का यूज़ किया, तो जितना भी डस्ट था वो आपका सब क्लियर हो गया। देखिए मेरे पैर, मैं आपको भी बताने वाली हूँ, और आप पानी भी देख सकते हो पानी किस तरह का हो गया है। आप सिंपल ब्रश ले सकते हो, आपका जो टूथब्रश ब्रश ख़राब हो जाता है वो आप ले लीजिए अच्छे से, और अपने पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। चेंज आ गया फ्रेंड मेरे पैरों में। अब देखिए इस तरह की स्टिक आएगी एक फ्रेंड, देखिए इससे आपको अपने नेल्स के अंदर जो भी गंदगी है वो आपको क्लियर कर देनी है। घर पे आराम से आप ऐसी कुछ जो आपके प्राइजर वगैरह होता है नेल शेप करने का, आप उससे भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और आप इस तरह से पूरे अपने नेल्स के साइड की जो डेड स्किन होती है फ्रेंड उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो प्राइजर से भी निकाल सकते हैं, और आपके देखिए पैर एकदम क्लीन हो जाएंगे। अब आपको पैर तो आपके काफ़ी क्लीन हो गए हैं फ्रेंड, आपको इसको मॉइस्चराइजर देना। देखिए बहुत ही जल्दी है पेडिक्योर मैनीक्योर में, करीब 1.5 से 2 घंटा लगता है, और ये मैं आपको बता दे रही हूँ 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपके पैर एकदम क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए नमक से और पेस्ट से आपके जो पैर क्या है ड्राई हो जाएंगे फ्रेंड, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं, ठीक है। विटामिन ई के कैप्सूल लेने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आपको मसाज दे देनी है अपने पैरों को। 2 कैप्सूल ले लीजिए फ्रेंड, दोनों पैर के लिए एक एक ले लीजिए, काफ़ी सस्ता पड़ता है ये, 5 रुपये का एक आता है, और किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मिलने में, इसको सब जगह पे मिल जाता है ये। ये मैंने अच्छे से डाल लिया है, फुल मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा आपके पैरों को। आपके पैर एकदम जैसा पार्लर जैसा पेडिक्योर मैनीक्योर आप करवा कर आते हो कि वही रिजल्ट मिलने वाला है आपको। आपको 10 मिनट मसाज देनी है अच्छे से। मसाज आपको किस तरह से देनी है, आपको इस तरह से गोल गोल घुमा के, ये देखिए आपके अच्छे से इस तरह से आपको मसाज देनी है पैरों में। 10 मिनट आप मसाज दे लीजिए, 10 मिनट का मसाज काफ़ी होता है। अब आप चाहें तो फ्रेंड पैक लगा सकते हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं देखिए इनको एक बार और वॉश कर लेती हूँ, और आप फिर मेरे पैर रिजल्ट देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है घर बैठे हुए आपको 15-20 मिनट में। फुल मॉइस्चराइज़र मिल गया मेरे पैरों को, अच्छे तरीके से मैं पोंछ लेती हूँ पैरों को। सब मॉइस्चराइज़र ले लिया है फ्रेंड, और मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ पैरों से।
और आप देख सकते हैं मेरे पैरों को यहाँ, मैं इसीलिए ऊपर की साइड आप कर सकते हो, मैंने ऊपर इसीलिए साइड नहीं किया, मैं आपको दोनों में अंतर बता सकूँ। यहाँ की स्किन देखिए और आप यहाँ की स्किन देखिए, आपको दोनों स्किन में फ़र्क दिखाई देगा। फ्रेंड मैंने यहाँ क्लियर नहीं किया है, ओनली मैंने आपको नीचे करके दिखाया है। देखिए अब आप मेरे पैरों को देख सकते हैं फ्रेंड, कितने क्लीन हो गए हैं। और इधर भी आप देखिए ड्राई हो रही है स्किन, तो मैंने आपको केवल यहाँ पर करके दिखाया। अब आपको कैसा लगा ये तरीका आप ट्राई करके देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि आपको तरीका कैसा लगा। काफ़ी इजी तरीका है और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है, फुल मॉइस्चराइज़र मिल जाता है आपको, अमोनिया रहता है एक्टिवेटर में, तो आपको जो पैरों को ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जिस तरह से फेस पर आप ब्राइटनेस, आपको पता है कि ब्लीच करने से फेस पर ब्राइटनेस आ जाती है, वो किस वजह से आती है, क्योंकि उसमें हम अमोनिया की मात्रा डालते हैं हल्की सी, इस वजह से हमको ब्राइटनेस मिल जाती है, हमारे ब्लैक बाल ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक्टिवेटर का यूज़ किया है। अगर आपको एक्टिवेटर यूज़ नहीं करना है तो आप फ्रेंड थोड़ा सा नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप मेरे पैरों को बिल्कुल देख सकते हैं फ्रेंड, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। क्लियर करने के बाद आप अपने पैरों नेल्स में शेप डाल सकते हैं। देखिए मैंने शेप नहीं डाला है, लेकिन मैंने नेल पेंट लगा लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरा पेडिक्योर आपको कैसा लगा। घर बैठे हुए बहुत ही आसानी से पेडिक्योर किया है। आप मेरे ऊपर वाली स्किन भी देख सकते हैं फ्रेंड, ये देखिए मैंने जो क्लियर नहीं की थी वो स्किन है, और ये जो मैंने क्लियर की है वो स्किन है, तो आप दोनों स्किन में अंतर देख सकते हो फ्रेंड। मैं पूरे पैरों में करना चाह रही थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए, रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैंने ओनली नीचे नीचे किया है। तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड, और जितना हो सके प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। काफ़ी इजी तरीका है जो आप घर बैठे हुए बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और ओनली 10 रुपये में आपका पेडिक्योर हो जाएगा फ्रेंड। ओके बाय, गुड नाइट।